हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार। स्वागत है आपका क्रैक एसएससी विद्राज में। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये एसे नंबर 11 है। ये हमारी एसे सीरीज़ का ही एक नेक्स्ट एसे है, एसे नंबर 11। इससे पहले मैं 10 एसे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो एसे नहीं देखे या ये सीरीज़ फॉलो नहीं की है तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको रियली इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से एसे लिखना है या जो टॉपिक्स हैं वो कैसे कवर करने हैं, क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो अगर नहीं फॉलो किया तो इसको ज़रूर कीजिए। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा एंड इट्स बेनिफिट्स। ठीक है, हिंदी में योग और इसके लाभ दोनों में आपको मिलेगा, ये इंग्लिश और हिंदी में। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है क्रैक एसएससी विद्राज। और गाइज, हमारा टारगेट पता ही होगा, 14th ऑफ फेबररी। ठीक है, 14 फरवरी अपना टारगेट है, जब हमारा CHSL का डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, चलिए ऐसे में देखते हैं। हाँ गाइज, अभी जो इस सीरीज़ में हम किन किन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, तो गाइज़ जो ग्रीन कलर में ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करा चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या, योगा एंड इट्स बेनिफिट। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए, ओके, तो जो टॉपिक है वो हमारा योगा एंड इट्स बेनिफिट। तो फॉर्मेट देखिए वही है, उसी फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। योगा इज़ कंसिडर्ड, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, योगा इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कनेक्टिंग योर इनर सोल विद नेचर। ठीक है, तो योगा को हम किस तरीके से कंसिडर करते हैं, एक बेस्ट वे होता है खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, नेचर को समझना, नेचर को देखना, उसकी जो खूबसूरती है उसको परखना। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे क्या है, योगा। चलिए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे हेल्प्स यू टू मेंटेन लाइफ बैलेंस दैट इज मच नीडेड इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ एंग्जाइटी एंड प्रेशर। ठीक है, तो आजकल के टाइम पे जिस जो ये अपनी जो दुनिया है जो कि इतनी चिंता से, इतने प्रेशर से भरी हुई है, हर चीज़ में प्रेशर। छोटा छोटा जो 2 साल, 4 साल, 5 साल का जो बच्चा होता है वो भी प्रेशर लेता है। ठीक है, तो मतलब दुनिया एकदम चिंताओं से भरी हुई है, तो उसमें जो है योगा करना एक एक बैलेंस बनाता है लाइफ में। ठीक है, वही एक ये लाइन का कहने का मतलब यही है कि प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे, हर रोज़ जो योगा करेंगे उससे क्या होगा, एवरी डे हेल्प्स यू टू मेंटेन लाइफ बैलेंस दैट इज़ मच नीडेड इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ एंग्जाइटी। ठीक है, तो इस जो आज की जो दुनिया है इसमें योगा का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। इससे क्या लाइफ में बैलेंस बनता है। ठीक है, योगा यूनाइट्स योर बॉडी एंड माइंड दैट हेल्प्स यू रिसर्च इन पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो योगा से क्या होता है, बॉडी और माइंड को क्या ये एक करता है और पीसफुल स्टेट में दिमाग को लेके आता है कि शांत, जो दिमाग एकदम शांत हो जाता है, कूल हो जाता है, हर चीज़ को क्या है अच्छे तरीके से समझता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, तो इसीलिए जब बोलते हैं ना लोग बाग भी, टीचर्स भी बोलते हैं जो कि साइंटिफिकली ठीक है कि भाई योगा करने से क्या होता है, माइंड शांत होता है, हम हमारे जो थॉट प्रोसेस और अच्छी होती है। ठीक है, विच अल्टीमेटली ब्रिंग्स हारमोनी एंड कंटेंट इन योर लाइफ। ठीक है, सो वैन यू आर एबल टू कंट्रोल योर फिजिकल, इमोशन एंड मेंटल बींग, यू विल बिकम अ सेटिस्फाइड पर्सन इन लाइफ। ठीक है, तो अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जब कभी भी तुम अपने अपने शरीर पे, अपने इमोशंस पे, अपनी मेंटल यानी सोच पे अगर जब भी आपने कंट्रोल पा लिया, उस टाइम पे क्या है, एक सेटिस्फाइड पर्सन बन जाएंगे। सेटिस्फाइड पर्सन कहने का मतलब क्या है कि कभी आपकी लाइफ में दुख नहीं आएगा। कैसे, जो व्यक्ति है जिसके इमोशंस पे उसके क्या कंट्रोल नहीं है, उसके सोच पे उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या हमेशा चीज़ें ना अलग तरीके से ही सोचता है। मान लो वो उसका कोई सोच है, उसने कुछ सोचा कि मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन वो उसको नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है, उदास होगा, परेशान होगा। ठीक है, जैसे जो लैला मजनू वाली कहानियाँ भी आप देखते ही हैं, होती ही रहती हैं। ठीक है, तो उस टाइम वो क्या अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको कोई तो मैना दिख गई तो बस वो तोते की तरह पीछे लगा रहता है। ठीक है, तो उसको अपने इमोशंस पे, अपने थॉट, और जिस दिन वो जो मैना है वो किसी और तोते के साथ उड़ गई तो फिर क्या होता है, वो बस डिप्रेशन में चला गया। अरे नहीं भाई, तो ये जो ये जितने भी जो है तोता मैना वाली कहानी वाले जो जितने भी हैं उनको यही है भाई, योगा करो, अपने फिजिक पे, अपने इमोशंस पे, अपनी सोच पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल पाओ, आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। ठीक है, एंड दिस ऑल कैन बी अकम्प्लिश्ड इफ़ यू प्रैक्टिस योगा ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो ये सिर्फ किससे पॉसिबल हो सकता है, अगर योगा डेली करें। ओके, उसके बाद देखिए बॉडी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया, उसके बाद हम बॉडी पढ़ रहे हैं।
योगा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल हैप्पियर एंड हेल्थियर। ठीक है, तो लोगों की जो जीवन को खुशहाल एकदम स्वस्थ बनाने के लिए योगा जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ओके। देयर फोर मैनी पीपल टेक इनिशिएटिव टू स्टार्ट योगा क्लासेज इन सोसाइटी सो एज टू हेल्प पीपल अटेन इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, सोसाइटी में इनिशिएटिव्स नए नए लोग लेके आते हैं कि योगा क्लासेस लगवा देते हैं कि भाई चलो योगा क्लासेस ज्वाइन करो, जिससे कि क्या लोगों में उनकी इनर पीस बढ़े और सेटिस्फेक्शन रहे उनकी लाइफ में। ठीक है, वो हर वक्त किसी ना किसी चीज़ के पीछे ना भागे कि मुझे पैसा कमाना है, ये कमाना है, वो कम। ठीक है, दिमाग को भी शांत रखना है। ठीक है, हर इंसान जितना है उतने में भी खुश रह सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरीके से उसकी सोच है। ठीक है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ऑल्सो मेकिंग योगा सब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ करिकुलम टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज एंड हेल्प स्टूडेंट्स अवॉइड पॉसिबल डिसऑर्डर्स इन फ्यूचर। ठीक है, तो स्कूल में भी इस कॉलेजेस में भी क्या योगा को एज अ सब्जेक्ट देखा जाता है, अपने उनके जो स्टडी करिकुलम है उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या उनकी लाइफ में मॉरल वैल्यूज़ ऐड की जा सकें और जो आगे जो स्टूडेंट्स को जो दिक्कत होती हैं, जो भी नई नई जो बीमारियाँ आती हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं बॉडी में, उनको क्या रोका जा सके। ठीक है, इन दिस मॉडर्न एरा अवेयर पीपल आर बिजी अर्निंग देयर लिवलीहुड। ठीक है, जो आज का जो दौर है जिसमें जो लोग हैं अपनी कमाने में ही लगे हुए रहते हैं, गो थ्रू सो मच स्ट्रेस एवरी डे। ठीक है, सो मच स्ट्रेस में गुजरते हैं वो सारा दिन। ठीक है, उनका हर वक्त उनको स्ट्रेस रहता है, हर चीज़ का, काम का स्ट्रेस, किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है। हाउएवर विद द हेल्प ऑफ योगा वेरियस स्ट्रेस डिसऑर्डर्स एंड मेंटल इलनेस कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, तो इजी सी लाइन है, योगा के थ्रू क्या है बहुत सारे स्ट्रेस को, मेंटल जो इलनेस है उसको क्या अवॉइड किया जा सके एंड ट्रीट ट्रीटेड सक्सेसफुली, और उनका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। हाउ अ पर्सन इज एबल टू अचीव हार्मनी एंड पीस विद इन हिमसेल्फ। मोस्ट ऑफ हिज हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड लिवर डिसऑर्डर, कोलेस्ट्रॉल इम्बेलेंस, मेंटल इलनेस एक्सेट्रा वुड बी वैनिश। ठीक है, तो योगा करने से ये जितनी भी सारी बीमारियाँ हैं सारी क्या हैं ख़त्म हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। ठीक है, डेली योगा प्रोवाइड्स अस विद न्यूमरस बेनिफिट सच एज टू इम्प्रूव अवर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एनहेंस अवर इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, तो जो डेली योगा है उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं योगा से मिलती हैं, या इन सब चीज़ों के योगा से फ़ायदे होते हैं। ठीक है, दिस फर्दर हेल्प्स अस आर बॉडी इन फाइटिंग अगेंस्ट वेरियस डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली जो जितनी भी सारी डिजीजेज हैं उनसे लड़ने की क्या ताकत मिलती है, इन्फेक्शंस से लड़ने की ताकत मिलती है। देयर आर वेरियस आसानाज प्रैक्टिस्ड इन, आसानाज मीन्स ये आसन है। ठीक है, आसन है वो आसन इन योगा सच एस राजयोगा, ज्ञान योगा, ठीक है, तदासना, वृक्षण, अधोमुखो, स्वनसना एंड मच मोर। ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, थोड़ी अजीब सी वो लग रही है, हिंदी में और अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, हिंदी में भी करेंगे ऐसे अभी। ठीक है, तो ये सारे जो जो हैं ये योगा हैं या आसन है। ठीक है, ऑल दीज आसन आसनाज आर की टू हेल्दी एंड पीसफुल लिविंग। ठीक है, तो जितने भी ये आसन है एक मतलब अच्छी लाइफ जीने के लिए की है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कॉन्क्लूजन पार्ट, वन मस्ट प्रैक्टिस योगा एंड गेन बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम। योगा हैज़ न्यूमरस लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, सो एवरी पर्सन कैन प्रैक्टिस योगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड मेक देयर लाइफ बेटर विदाउट एनी मेडिटेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो योगा से बहुत सारे मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की योगा होती हैं, लेकिन जो उनके लिए ठीक है या वो जो कर सकते हैं, जिनसे जो उनको नीड है, ठीक है, वो वाली चीज़ें वो करें, प्रैक्टिस करें उसकी, मतलब उसको अप्लाई करें लाइफ में और एक हेल्दी लाइफ जिए। ठीक है गाइस, तो सभी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी भी अपील है, योगा करें, रनिंग करें, कुछ ना कुछ मतलब अपने फिजिकली काम करें। ठीक है, आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में लगे हुए हैं तो फिर आपकी लाइफ व्यर्थ है। ठीक है, लाइफ में हेल्दी रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो लाइफ में जो काम होना चाहिए वो होता है हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना, एकदम एक्टिव रहना। ठीक है, आप पढ़ पढ़ के आप सारे एग्ज़ाम निकालते जा रहे हैं, हर चीज़ करते जा रहे हैं, लेकिन आप शारीरिक तौर पे मेंटली तो चलो
आप अच्छा पढ़ ही रहे, ठीक है, मेंटली मतलब किस तरीके से स्ट्रेस को झेलना है, किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको किस तरीके से हैंडल करना है, मेंटली भी तो स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें किससे आएंगी, योगा करने से या बॉडी को जो है एक्सरसाइज कराने से, बॉडी को काम कराने से, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में है, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट, मैं इस ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जा दूंगा, क्रैक एसएससी विद्राज, सारे वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूँ, बाकी आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय, योग को अपनी आंतरिक आत्मा को प्रकृति से जोड़ने का एक सबसे प्रभावी तरीका है के रूप में माना जाता है। हर दिन योग का अभ्यास करने से आपके जीवन को संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है, जो चिंता और दबाव से भरी इस दुनिया में बहुत आवश्यक है, ठीक है। योग आपके शरीर और दिमाग को एकजुट करता है, जो आपके मन को की शांति स्थिति तक पहुंचाने में मदद करता है, जो अंततः आपके जीवन में सद्भाव और सामग्री लाता है, ठीक है। इसलिए जब आप अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक नियंत्रण को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, तो आप जीवन में एक संतुष्ट व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है। और यह सब पूरा किया जा सकता है यदि आप दैनिक आधार पर योग का अभ्यास करें। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, वही सारी चीज़ें सेम, ठीक है। बॉडी थोड़े हैवी वर्ड होते हैं और हिंदी में थोड़ा इस तरीके से ही लिखना पड़ता है, ताकि जो एग्जामिनर या कॉपी जो चेक कर रहे हैं उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े कि हिंदी की अच्छी समझ है। और जबकि इंग्लिश में क्या, इसका उल्टा, जितना ईजी हो सके उतना ईजी लिखना होता है, ठीक है। बॉडी देखिए, योग लोगों के जीवन को खुशहाल, स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कई लोग समाज में योग कक्षाएं शुरू करने की पहल करते हैं, ताकि लोगों को आंतरिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सके। स्कूल और कॉलेज भी योग विषय को नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बना रहे हैं, मतलब स्टडी का भी, मतलब एज अ सब्जेक्ट रखा जाता है इसको भी, ठीक है, ताकि और छात्रों को भविष्य में संभावित विकारों से बचने में मदद मिल सके, ठीक है, जो आगे जो भी पॉसिबल डिसऑर्डर्स हैं उनको उनसे बचाया जा सके। इस आधुनिक युग में जहाँ लोग अपनी आजीविका कमाने में व्यस्त हैं, हर दिन बहुत तनाव से गुजरते हैं, हालांकि योग की मदद से विभिन्न तनाव, विकारों और मानसिक बीमारियों से बचा जा सकता है और सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। एक बार जब कोई व्यक्ति अपने भीतर सद्भाव और शांति प्राप्त करने में सक्षम हो, तो उसकी अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं और उच्च रक्तचाप, यकृत विकार, कोलेस्ट्रॉल असंतुलन, मानसिक बीमारी आदि गायब हो जाती हैं, ठीक है। दैनिक योग हमें कई लाभ प्रदान करता है, जैसे कि यह हमारे शरीर की शांति में सुधार करता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, मतलब कि किसको, बॉडी को एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है, या कह सकते हैं किसको बढ़ाता है, प्रतिरक्षा मतलब क्या, इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यह आगे चलकर हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों और संक्रमणों से जोड़ने में मदद करता है, ओके। योग में विभिन्न आसनों का अभ्यास किया जाता है, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, तड़ासनम, वृक्षासनम, अधो मुखो संवासनम, और भी जितने भी अलग अलग जो आसन है वो सारे आते हैं। ये सब भी आसन स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष में देखिए, योग का अभ्यास करना चाहिए और उसी से लाभ प्राप्त करना चाहिए। योग में कठिनाइयों के कई स्तर हैं, इसलिए हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार योग का अभ्यास कर सकते हैं और बिना किसी दबाव और तकलीफ के अपना जीवन बिता सकते हैं या बेहतर तरीके से जी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गाइज क्या है, हमारा हिंदी में ऐसे हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में कर लिया, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, यार लाइक नहीं करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, शेयर तो करते ही नहीं है, ठीक है यार, शेयर भी करो, ठीक है। बाकी चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अगर ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये इंस्टाग्राम आईडी है, कोई सवाल पूछना है तो आप यहाँ पर जाके पूछ सकते हैं, ठीक है, पर्सनल। सो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।